इस तरफ देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये पूरा। पापा की कमर में चोट लग गई थी काफ़ी ज़्यादा, तो वो यहाँ एडमिट थे। सो हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शादा मिर्ज़ा व्लॉग्स। और अभी आज का सीन ऐसा है कि आपने देखा हुआ गणेश चतुर्थी वाला प्रोग्राम, एंड उसके बाद से मैं यहाँ पर कुछ ज़रूरी काम था तो मैं यहाँ आ गया था घर पे वापस। तो फ़िलहाल अभी बज रहा है सुबह का लगभग 11। तो अभी आज मैं आप लोग को दिखाने जा रहा हूँ रेलवे हॉस्पिटल यहाँ कैसे होते हैं। मतलब शायद बहुत से लोग होते हैं, सबका कमेंट आता है कि रेलवे हॉस्पिटल कैसे होते हैं, सबने प्राइवेट हॉस्पिटल तो देख ही रखे होते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि हाँ आप लोग को एक बार एक टूर करा देते हैं कि हाँ रेलवे हॉस्पिटल में क्या होता है क्या नहीं होता। वैसे यहाँ गोरखपुर वाला ये जो मेरे घर के पास है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल है। तो फिलहाल चलते हैं, आपको दिखाते हैं, उसमें काफ़ी सारे मतलब सारे के सारे डिपार्टमेंट बने हुए हैं। एंड चलो चलते हैं लेके और आपको पूरा टूर कराते हैं उसका। और वो हॉस्पिटल मतलब अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो चलो चलते हैं। सो गाइज, फाइनली वी आर हेयर एलएन मिश्रा रेलवे हॉस्पिटल, देख सकते हो आप लोग। तो अंदर एंटर होते हैं इसमें। सो गाइज, फाइनली यहाँ पहुँच चुके हैं और अभी मैं आपको पूरा टूर कराने वाला हूँ, तो पूरा अच्छे से देखना कि क्या क्या है इस रेलवे हॉस्पिटल के अंदर। सो गाइज, फाइनली यहाँ से व्लॉग शुरू होता है। यहाँ है इमरजेंसी आपातकालीन विभाग, ठीक है। यहाँ से पूरा ये है पूरा पार्किंग एरिया, ठीक है। और ये एम्बुलेंस खड़ी हुई है, इमरजेंसी वार्ड आप अभी आप देख सकते हैं, ये है। यहाँ से तुरंत इमरजेंसी है गेट के बगल से। अभी फिलहाल एक एक करके मैं सारे डिपार्टमेंट दिखा रहा हूँ जो भी मतलब इसमें है हॉस्पिटल के अंदर। यहाँ है कैंटीन और ये वैक्सीनेशन केंद्र है इस तरफ। और यहाँ कैंटीन है वहाँ आप देख लिया, उसके बगल में भी पार्किंग है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी पार्किंग है। और ये है OPD पार्किंग, जैसे आप देख पा रहे हो आप लोग, ठीक है। तो फिलहाल अभी यहाँ चल रहे हैं हम लोग। तो ये है OPD एंड इसके अंदर चलते हैं अब। इसके अंदर वैक्सीनेशन वगैरह जो भी है सब है। ये है रजिस्ट्रेशन काउंटर यहाँ, और ये सारे लोग रजिस्ट्रेशन के लिए आए हुए हैं। देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा भीड़ है पूरा अंदर तक, यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ सारे डॉक्टर्स बैठते हैं इस तरह, एक लाइन से मैं आपको सबको दिखाते चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर फिजिशियन बैठते हैं, यहाँ पर ऑर्थोपेडिक बैठते हैं, सर्जन बैठते हैं। तो फिलहाल यहाँ सभी लोग लाइन में लगे हुए हैं और आगे बैठते हैं। ये आई के स्पेशलिस्ट हैं यहाँ पे, और यहाँ पर ख़त्म है, यहाँ सभी लोग बैठे हुए देख सकते हो अभी आप लोग। तो गाइज, ये है दवा घर, यहाँ पे लिखा हुआ आप देख सकते हो, जैसे कि फार्मेसी, यहाँ पे दवा मिलती है। और यहाँ अभी देख सकते हो बहुत ज़्यादा भीड़ भी है, सारे लोग लाइन से लगे हुए हैं। यहाँ पर भी सारे डॉक्टर्स बैठते हैं। और ये है, ये भी काउंटर है, यहाँ पे भी लाइन लगती है। यहाँ देखिए काउंटर नंबर 5, 6, 7, और उस तरफ भी लाइन लगी हुई है। सो गाइज, यहाँ पे ये फार्मेसी काउंटर के जस्ट बगल में है सिक एंड फिट रूम, जैसे कि आप बोर्ड देख पा रहे हो। और अब इधर चलते हैं, इस तरफ है, ये है अंदर, ये है, चलते हैं अभी फ़िलहाल। यहाँ से आप लोग को अंदर का दिखा दिया है OPD के अंदर। यहाँ रजिस्ट्रेशन वगैरह जो भी सरकारी कर्मचारी जो भी होते हैं, जो जिनको भी दिखाना होता है वो यहाँ आके पहले दिखाते हैं। सो गाइज, यहाँ जितने भी सरकारी कर्मचारी आए हुए हैं सबके पास एक डायरी होती है, जिसको दिखाकर ही यहाँ पर ये लोग इलाज करा सकते हैं। और इस डायरी के बिना कोई यहाँ पर इलाज नहीं करा सकता, इस डायरी से ही यहाँ रजिस्ट्रेशन होता है। देख सकते हो हम लोग उस तरफ से आए हैं और यहाँ पर भी लोग दवाई लेने के लिए खड़े हुए हैं। यहाँ वॉशरूम की भी सेवा उपलब्ध है अच्छी, आप इधर साफ़ सफाई है यहाँ पर। यहाँ वॉशरूम के जस्ट बगल में है एनेस्थीसिया और पीडियाट्रिसिस। सो यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट बैठते हैं, यहाँ से सीधा हम लोग आएंगे। और यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट हैं यहाँ पर डॉक्टर अलका पांड्या एंड डॉक्टर तनु वर्मा। ये यहाँ फार्मेसी के यहाँ पर लोग दवाई ले रहे हैं, उसके जस्ट यहाँ से डॉक्टर अयाज अहमद बैठते हैं पीडियाट्रिसिस। और चलते हैं आगे और दिखाते हैं यहाँ पर, ये पूरा है, ये नर्सिंग इंचार्ज है यहाँ पे मीरा चौधरी, ठीक है। और पूरा यहाँ से देखते चलते हैं, आपको दिखाते चलते हैं पूरा लास्ट में, उतना ही है। यहाँ इस तरफ इतनी ज़्यादा कुछ भीड़ नहीं है। ये ड्रेसिंग एवं प्लास्टर रूम है, वहाँ से आप सीधे आएंगे। और यहाँ पर है सब स्टोर OPD चीफ फार्मासिस्ट, ये है OPD इंचार्ज,
ठीक है, और चलिए यहीं से बाहर निकलते हैं और दूसरा डिपार्टमेंट दिखाते हैं आपको। तो देख सकते हो आप लोग, हम लोग यहाँ पे निकल आए, हम लोग उधर से घूम के गए थे पूरा, तो कैंटीन के पास हम लोग निकले हैं इधर से। तो हम लोग यहाँ से एंट्री नहीं लिए, पूरा पीछे से वो वहाँ से घूम के एंट्री लिए और इसी अंदर से बाहर निकले और आपको अंदर वो पूरा दिखा चुके हैं। तो यहाँ पार्किंग के जस्ट बगल में देखिए इमरजेंसी वार्ड था, एम्बुलेंस खड़ी थी, उसके बगल में यहाँ पे है पैथोलॉजी, ठीक है, पैथोलॉजी लेबोरेटरी। और चलते हैं इसके बगल में, इसके बगल में आपको पूरा ये गार्डन दिख रहा होगा, लोग वहाँ इसके अंदर बैठते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा मतलब लगता है लोगों को बैठने के लिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छी सेवा बना रखी, देख सकते हो आप लोग पूरा लोग वहाँ बैठे हुए हैं वहाँ पे सभी लोग, और देख सकते हो कितना अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से पूरा प्रॉपर। सो गाइस, यहाँ पैथोलॉजी लेबोरेटरी के बगल में है इंडोर विभाग, यहाँ पेशेंट्स लोग भर्ती होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, मतलब जिस जो भी उनको बीमारी है सबका अलग अलग वार्ड है। तो फिलहाल अभी अंदर चलते हैं और यहाँ आपको दिखाते हैं, जैसे कि फिलहाल अंदर से काफ़ी ज़्यादा सुंदर बनाया हुआ है देखने में, और यहाँ भी अंदर पार्क है, गार्डन है लोगों के लिए, यहाँ पीने के लिए पानी है, महिला मेडिकल वार्ड है अगर आप लोग देख सकते हैं वहाँ सामने लिखा हुआ है। और ये वहाँ से एंटर होंगे तो ये उस तरफ जाने के लिए, अगर बारिश हो गई तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया है। चलते हैं अंदर, और फिलहाल पेड़ लगा हुआ है एकदम हरा भरा है, हरियाली है, और अंदर आप देख सकते हो वो शायद फाउंटेन है जहाँ तक मुझे लग रहा है, बट वो एक लोटस के शेप में है। ये पूरा महिला सर्जिकल वार्ड है आप जैसे कि देख सकते हो आप लोग, ठीक है। सो गाइस, ये है प्रसूति वार्ड, जैसे कि आप जानते प्रसूति का मतलब है डिलीवरी वार्ड। यहाँ पूरा ये जो पूरा आप देख सकते हो ना, ये महिला सर्जिकल वार्ड, अभी हम लोग उसी तरफ से आए हैं आप देख रहे होगे, ठीक है, और ये महिला मेडिकल वार्ड। तो ये पूरा जो एरिया है ये पूरा महिलाओं के लिए है खासकर, आप लोग को दिखाई दिया मैंने पूरा, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बना हुआ है यहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सुंदर बनाया गया है। और साफ़ सफाई तो गाइस बहुत ज़्यादा है, देख सकते हो बिल्कुल गंदगी नहीं है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। ये इस तरफ देख सकते हो कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है, ये पूरा एरिया बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छे से एकदम, मतलब कुछ गंदगी नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के, बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई है। अगर यहाँ अंदर देखा जाए तो यहाँ भी साफ़ सफाई है, पेशेंट्स लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, हम लोग उधर से पूरा घूम के आए हैं, आगे से हम लोग एंट्री किए थे इसके अंदर, और वो देख सकते हो आप लोग पार्क है इधर की तरफ, अभी हम लोग वहाँ से आए और ये पूरी बिल्डिंग है, अभी आपको पूरा यहाँ घुमाऊँगा। सो यहाँ हम लोग जब घुसे थे तो ये है पूरा MD विभाग, मतलब मेडिकल डायरेक्टर, चिकित्सा निर्देशक, इनका ये पूरा डिपार्टमेंट है। और ये देख सकते हो सामने, इन्हीं के सामने जस्ट पूरा वो बना हुआ है पार्क, और जैसे कि अभी आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है 1930, इसमें ये पूरा जो आप देख रहे हो रेलवे हॉस्पिटल, ये उस वक्त बना हुआ था। क्या है इसकी हिस्ट्री मैं अभी आपको बताता हूँ, बाकी फ़िलहाल यहाँ का पूरा पार्क देख लो, वहाँ से एंट्री हुई थी, वहाँ OPD हम लोग उधर की तरफ गए हुए थे, ठीक है, वहाँ और यहाँ पर कैंटीन भी थी आपने देख ही लिया, यहाँ लेबोरेटरी, हम लोग वहाँ से घुसे थे इसके अंदर और हम लोग उस तरफ से निकले, देख सकते हो आप, और यहाँ है MD डिपार्टमेंट, मेडिकल डायरेक्टर डिपार्टमेंट, और अभी उस तरफ चलते हैं, आपको दिखाता हूँ पूरा। तो गाइज़, अभी आप जैसे कि पीछे आपने देख लिया कि यहाँ पे 1930 लिखा था, 1930 का मतलब है कि ये उस बना था, एंड ये अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ है काफ़ी ज़्यादा, मतलब और अभी भी काफ़ी ज़्यादा वेल मेंटेन, अच्छा बना हुआ है। तो फिलहाल ये उस वक्त क्या था, जब 1930 में बना था उस वक्त सिर्फ और सिर्फ पेशेंट्स को देखा जाता था, भर्ती करने की कोई अवेलेबिलिटी नहीं थी। फिर कुछ सालों बाद हुआ कि पेशेंट्स को भर्ती भी करना शुरू किया गया, तो ये काफ़ी अच्छा एक इनिशिएटिव था। तो चलो चलते हैं और बाकी आपको वहाँ दिखाते हैं, तो चलते हैं। गाइस, अभी हम लोग इसके अंदर एंटर हो चुके हैं, जैसे कि आपको मैं दिखा रहा था ये ब्लॉक के अंदर, इसके अंदर यहाँ पे है फिजियोथेरेपी पूरा, और ये आप देख सकते हो AK पांडे फिजियोथेरेपी। चलो अंदर चलते हैं, यहाँ फिजियोथेरेपी होती है, तो यहाँ पर भी लोग बैठे हुए हैं, पेशेंट्स बैठे हुए हैं। सो गाइस, जैसे कि अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे पेशेंट हैं जो वो अपने हाथों की शोल्डर की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो फिजियोथेरेपी में जॉइंट्स के लिए जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं वो सब यहाँ पे मशीन्स अवेलेबल हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो चलते हैं यहाँ से बाहर,
और ये है रेडियोलॉजी विभाग, एक्सरे विभाग, रेडियोलॉजी विभाग है इसके अंदर, यहाँ पर एक्सरेज वगैरह होते हैं। तो जस्ट उसके बगल में फिजियोथेरेपी विभाग के जस्ट बगल में है एक्सरे विभाग, चलते हैं अंदर। और ये है यहाँ पर एक्सरे मशीन जो न्यू है, यहाँ पर लिखा हुआ है अंदर से आप देख सकते हो, और पंखा वगैरह लगा हुआ, काफ़ी सुविधा अच्छी है। और यहाँ लोग बाग हैं पूरे बैठे हुए, सभी लोग पेशेंट्स। और ये सेंट्रलाइज्ड रेफरल विंडो है, आपको पूरा उतना एरिया दिखा दिया। अब चलते हैं, अभी जिधर से हम लोग आए थे तो उसके अंदर चलते हैं, उसके अंदर और डिपार्टमेंट्स हैं, तो चलते हैं आपको दिखाते हैं पूरा प्रॉपर। चलिए अब इसके अंदर घुसते हैं और यहाँ से शुरू होते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा साफ़ सफाई है, तो गाइस यहाँ पर भी पानी पीने की सुविधा उपलब्ध है इधर की तरफ से अंदर घुसते ही। और यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा लगा है जो कि अच्छी बात है। और ये एनी रेलवे मजदूर यूनियन, यहाँ से जस्ट हम लोग एंटर होंगे, ठीक है। और अब चलते हैं अंदर। तो गाइस ये एरिया शायद बंद हो चुका है, और यहाँ है मुख्यालय मेडिकल शाखा एनी रेलवे मजदूर यूनियन। ये है मुख्य नर्सिंग अध्यक्ष का ऑफिस, यहाँ से एंट्री करेंगे। और यहाँ से अंदर एंट्री लेने के बाद यहाँ है शिशु वार्ड, जैसे कि आपको मैंने इस वाली लाइन का पूरा दिखा दिया है। एंड ये केंद्रीय औषधि भंडार है, आप जैसे कि ऊपर पढ़ पा रहे होगे पूरा। और ये शिशु वार्ड और कोविड 19 वार्ड जाने का रास्ता, यहाँ से आप कोविड 19 वार्ड जाने का रास्ता यहाँ से भी, तो एक अच्छी बात है। फिलहाल यहाँ है अंदर न्यू मेल मेडिकल वार्ड, पुरुष अस्थि वार्ड, तो अभी चलते हैं इसके अंदर भी। फिलहाल यहाँ है रिकॉर्ड रूम, आप देख सकते हो रिकॉर्ड रूम वो बना हुआ है अंदर। और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि पेड़ होना अच्छी बात है। एक हॉस्पिटल में पेड़ होंगे तो बहुत अच्छी एक वाइब आती है, बहुत अच्छी पॉजिटिव फीलिंग आती है, क्योंकि एक अच्छी ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन मिलती रहती है पेशेंट्स को भी। और वो सामने आप देख सकते हो कोरोना वार्ड लिखा हुआ है इस तरफ। और यहाँ सभी, यहाँ जितने भी पेशेंट्स हैं उनकी जो बेडशीट वगैरह होती हैं सब अच्छी बात है कि धुलकर साफ़ सफाई रहती है, बहुत अच्छी बात है। और चलते हैं अभी इसके अंदर, आपको दिखाते हैं। फिलहाल यहाँ पर बस इतना ही, ये पूरा जो भी है ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी अंदर चल के। और चलिए यहाँ पर चला जाता है अंदर इसके। और ये सभी फैमिलीज बैठी हुई हैं जो भी यहाँ पर लोग भर्ती हैं, एडमिट हैं। अच्छी बात है कि हर जगह कैमरा लगा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। ये पूरा मेल वार्ड है एक तरीके से, आप देख सकते हो लिखा ही इसका नाम है मेल वार्ड। तो यहाँ से लेके एंड तक पूरा इसके अंदर सारे पुरुष जो पेशेंट्स रहते हैं वो भर्ती हैं। फिलहाल अभी यहाँ पर चलते हैं, आपको एक रूम दिखाते हैं बढ़िया, कितनी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर। ये खड़ी है मेरी बाइक और चलते हैं। और मैंने सोचा अभी आपको पुरुष वार्ड के अंदर किसी एक सेक्शन, किसी कमरे के अंदर ले जाने से पहले आपको बाहर का एरिया दिखा देता हूँ। तो ये बाहर का एरिया है, देख सकते हो आप, चेक कर सकते हो। अभी मैं आपको जस्ट यहीं से एंटर हुआ था, अगर आपको याद हो तो, देख सकते हो यहाँ पे पूरा ये एरिया, बाइक खड़ी हुई मेरी, और यहाँ पे शिशु वार्ड है। तो यहीं से हम लोग एंटर हुए थे वहाँ, और यहाँ से निकलने का भी रास्ता है। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बता दिया, किसी की फैमिलीज आती हैं या वो सब यहाँ बैठ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी। सो गाइज आई होप आप देख रहे होगे पूरा ब्लॉग बढ़िया से, आप लोग को हर जगह पता चल जाएगी कि रेलवे हॉस्पिटल में क्या होता है, क्या नहीं होता, कौन सा डिपार्टमेंट कहाँ होता है, किधर नहीं होता, कितना बड़ा होता है। जितने भी आपके सारे डाउट्स हैं वो सारे शायद सॉल्व हो जाएं। और आपको कोई भी डाउट रहे क्या नहीं है आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं मेरे से। फिलहाल आपको मैंने सारा दिखा दिया है, अब चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे काफ़ी, मतलब यहाँ पे साफ़ सफाई भी अच्छी रहती है। एंड एक यार मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि साफ़ सफाई है, पेड़ हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, हर हॉस्पिटल के अंदर ऐसा होना चाहिए। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं ना उनके लिए होता है, एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ प्राइवेट लोग नहीं आ सकते हैं, ठीक है, तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो फिलहाल अभी मैं आपको जितना हो सका मैंने आपको पूरा दिखा दिया। सो गाइज जो एक काम था जिसके चक्कर में मैं लखनऊ से तुरंत यहाँ आया था, वो इसलिए बिकॉज पापा की कमर में चोट लग गई थी काफ़ी ज़्यादा, तो वो यहाँ एडमिट थे और अभी यहीं पीछे एडमिट हैं, यहाँ पर जहाँ पर मेरी बाइक खड़ी है आप देख सकते हो, उसी के सामने वाले उसमें रूम में।
तो फिलहाल इसी चक्कर में मैंने सोचा कि बहुत से लोग होते हैं जिनको बहुत सारे डाउट होते हैं कि रेलवे हॉस्पिटल कैसे होते हैं, कैसे नहीं होते हैं, और क्या मतलब किधर कौन सा डिपार्टमेंट होता है, तो मैंने सोचा आपको बना देता हूँ। बाकी मैं यहाँ पे पापा को देखने के लिए ही आया था, कल रात में भी आया था, जैसे ही मैं ट्रेन से आया फिर पापा के पास आया, एंड रात में कल खाना लेके भी आया। तो वही चीज़ है कि तुरंत मैं यहाँ पर आया, एंड आप देख सकते हो फिर अभी चलता हूँ पापा के पास लेकर। पापा अभी फ़िलहाल कुछ सही है तो अच्छी बात है, एंड अभी मैं अभी अंदर नहीं जा रहा हूँ बिकॉज डॉक्टर्स हैं जो थोड़ा चेकअप वगैरह कर रहे हैं पापा का। तो अभी चलते हैं फिलहाल पापा के पास, और पापा को फिलहाल अभी तो डॉक्टर अंकल चेक कर रहे हैं, वहाँ आए हुए थे पापा की एक्सरे रिपोर्ट वगैरह जो भी थी। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको, पापा से मिलाते हैं, पापा के कुछ हाल चाल लेते हैं। अभी मैं पापा के लिए खाने लेकर आया था तो मैंने फिर ब्लॉग शुरू किया। सो गाइज, ये है कैबिन नंबर 1, ये है कैबिन नंबर 2। सो इसके अंदर पापा एडमिट हैं, और इसके अंदर चलते हैं आपको दिखाते हैं। तो पापा लेटे हुए हैं, एंड बगल में एक अंकल है, इनका एक्सीडेंट हुआ था। तो कैसे हो पापा अभी? थोड़ा आराम है, ये सारा सामान रखा हुआ है। जैसे कि आपने देख ही लिया पापा का रूम, एंड इस तरीके से भी रूम है, एंड इसके अलावा भी जिसमें सारे पेशेंट्स एक साथ एडमिट किए जाते हैं, इन द सेंस कि एक साथ जो लेटते हैं, जो बेड बने रहते हैं, वो भी है। एंड पापा का भी रूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पे पार्क में आया हूँ। फिलहाल आप पीछे जैसे कि देख रहे हो पूरा हॉस्पिटल, जैसे कि हमने पूरा दिखा दिया है आपको। आई होप आपको पूरा हॉस्पिटल पसंद आया होगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। इसी के साथ गाइज मैं ये व्लॉग एंड करता हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए एडियोस।